नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी प्रो डॉट इन से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेक रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी ना मिस हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला अपडेट आता है आपका Redmi 7 की तरफ से, जो कि कंफर्म हो चुका है ये लॉन्च करेगा मार्च 18 में। इसके साथ ही इसका जो की स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से मिलता है आपको 6.26 इंच का LCD HD प्लस डिस्प्ले, और इसमें साथ इसके साथ आपको मिलता है इसमें 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल जाता है विथ 4000 mAh बैटरी के साथ। और Redmi Note 7 का और एक वेरिएंट जो 128 GB स्टोरेज वाला है विथ 4 GB रैम, ये बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च करने वाला है, और इसका जो प्राइस होगा वहाँ का करेंसी के हिसाब से 1499 yuan होगा। अगला जो अपडेट आता है ये आता है आपका Oppo A5s का तरफ से, जो कि इसका जो मॉडल नंबर है CPH1909, ये सर्टिफाइड हो गया है अब NBTC एंड BIS का तरफ से, और जो कि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। और इस फ़ोन का जो कि स्पेसिफिकेशन है वो है आपका 6.2 इंच का LCD देखने को मिल जाता है इसमें। इसके संग आपको देखने को इसमें मिल जाता है हेलियो का P35 का चिपसेट, 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज के संग, और इसमें आपको बैक साइड में दो कैमरा देखने को मिलता है 13 MP प्लस 2 MP, और फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। इसके साथ इस फोन में आपको देखने को मिलता है 4230 mAh का बैटरी कैपेसिटी, जो कि काम करता है एंड्रॉयड 8.1 के ऊपर। अगला जो अपडेट आता है यह आता है आपका सैमसंग गैलेक्सी A60 का तरफ से, इसका जो सर्टिफिकेशन था वाईफाई अलायंस का तरफ से वो क्लियर हो चुका है, और ये हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इस फोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा 35 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP का, और इसमें सेल्फी के लिए जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा। इसमें आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 675 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर विथ 8GB रैम, और इस फोन में आपको देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी कैपेसिटी। आखिरी वाला जो अपडेट है ये आता है आपका यूट्यूब का तरफ से। यूट्यूब ने अब लॉन्च कर दिया है अपना एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप, जो कि इंडिया में लॉन्च कर चुका है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। एक यूट्यूब का प्रीमियम फ्री वीडियो लॉन्च है एड, जो कि आपको म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप देखने को मिल जाता है इंडिया में एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के संग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत।